नमस्कार दोस्तों, वेलकम आरके जैक थ्योरी पर। आरके जैक आपके लिए हमेशा एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर आता है, और इन दिनों में आपके लिए जो लगातार लेकर आ रहा हूँ वो ऑडिशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार लोगों ने मुझे कमेंट किया है और पूछते हैं कि सर ऑडिशन का प्रोसेस बताइए, ऑडिशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ऑडिशन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, ऑडिशन की वो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन क्या होता है कि जो नए एक्टर हैं, जो घर बैठकर यूट्यूब से एक्टिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ऑडिशन देना पहली बार कितना मुश्किल होता है मैं समझ सकता हूँ। तो आप क्या करें, जब भी आप कहीं ऑडिशन देने जाते हैं उससे पहले एक नए एक्टर को क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए ऑडिशन देने से पहले। क्योंकि दोस्तों अगर आपका ऑडिशन अच्छा होगा ना तो आपको काम मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह आप एग्जाम देने के बाद अगली क्लास में प्रमोट होते हैं, उसी तरह से ऑडिशन देने के बाद आपका एक नेक्स्ट लेवल तैयार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप एक नए एक्टर हैं और पहली बार कैमरे के सामने आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मेरे सामने वैसे तो कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात यह है कि एक एक्टर को क्या है, क्या उसे बोलना है जब वो ऑडिशन देने जा रहा है, तो उसके माइंड के अंदर, उसके जहन के अंदर एक चीज़ फिट होनी चाहिए कि वो कैमरे के सामने आने के बाद क्या बोल रहा है, क्या लाइंस हैं, किस रिदम के साथ बोल रहा है। ये मतलब मोटे मोटे तौर पर कह रहे हैं तो क्या वो बोल रहा है वो उसको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा यह है कि जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है तो आप स्क्रिप्ट लेने के बाद उसकी समझिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है उसके डायलॉग्स तो एक एक्टर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होने चाहिए उसके लिए। मतलब कि फंबल नहीं होना चाहिए, और एक जिस तरह से एक एक्टर प्रेजेंट करता है अपने आप को उस करेक्टर के साथ, वो ही प्रेजेंट करना चाहिए। और डायलॉग याद होने चाहिए एक एक्टर के लिए। सबसे जरूरी दोस्तों यही है कि एक एक्टर जो प्रोफेशनल तौर पर एक्टिंग सीखता है या एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी है, तो उसे हमेशा क्या है कि अपने डायलॉग तो याद होने ही चाहिए। और अगर न्यू कमर एक्टर है, कोई पहली बार ऑडिशन दे रहे हैं, तो उन्हें अपनी लाइन्स याद रहनी चाहिए। सबसे मेन है कि आप अपनी लाइन्स ना भूलें, लाइन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब आप ऑडिशन देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। अच्छा दोस्तों, ये बात थी कि जो स्क्रिप्ट आपको दी जाती है उसके स्क्रिप्ट का सीन क्या है वो आपको समझना होता है। जब भी आप कहीं भी ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो आपको जो कास्टिंग टीम होती है वो आपको ऑडिशन स्क्रिप्ट देती है, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से पहले पढ़िए, कहाँ पर कौन सी लाइन है, क्या रस है उसका, क्या फ्लो है, क्या रिदम है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, कैरेक्टर जो है क्या बोलने की कोशिश में है और वो कहाँ प्रेजेंट कर रहा है। कई बार मोनोलॉग भी दिए जाते हैं, कई बार ऐसा संवाद भी होता है जो दो से तीन लोगों के बीच में होता है, कि आपको फिक्स होना चाहिए कि एक मैं अगर कैमरे के सामने, इस वक्त मैं आपसे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो हो सकता है कैरेक्टर बोल सकता है, लेकिन अब जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका डायरेक्शन वहाँ हो सकता है कि एक कैरेक्टर मेरा यहाँ है, एक कैरेक्टर मेरा यहाँ हो सकता है, और एक कैरेक्टर मेरा यहाँ हो सकता है, तो मैं उन सभी से बात करता हूँ। लेकिन आप एक पॉइंट व्यू बनाकर अपने डायलॉग्स डिलीवर कीजिए, किसके साथ मिलना संवाद करना है तो आप बेहतरीन तरीके से करते हैं। और एक न्यू एक्टर के लिए तो मैंने आपको बताया था कि एक न्यू एक्टर के लिए सबसे पहली बात है कि उसे अपने डायलॉग, अपने लाइंस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद होनी चाहिए। उसे अपनी लाइन याद होंगी तो उसे आसान रहेगी। और दोस्तों सबसे जरूरी बात होती है कि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप एक प्रोफेशनल एक्टर हैं। और प्रोफेशनल एक्टर भी नहीं है, आपने कहीं से एक्टिंग सीखी, जैसे कि आप यूट्यूब से देख रहे हैं या आपने कहीं और से चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तो आप वहाँ से एक्टिंग सीख रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है। दिल्ली हो, मुंबई हो, यहाँ पर तो थिएटर ग्रुप हो गए, आपके एक्टिंग स्कूल हो गए, एक्टिंग इंस्टीट्यूट हो गए, वहाँ तमाम तरह के तर्ज को तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको खुद भी अपनी ट्रेनिंग तैयार करनी चाहिए कि मुझे किस तरह से काम करना है। अगर दोस्तों जैसे कि आप अगर किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से सिर्फ एक्टिंग सीखें, तो मुझे लगता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखिए, एक्टर्स के इंटरव्यू पढ़िए,
जो मैगजीन में इंटरव्यू आते हैं वो पढ़िए, उनकी पर्सनल लाइफ को जानिए, एक एक्टर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में जाने कि वो किस तरह से काम करते हैं एक्टिंग को लेकर, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें इंटरनेट पर आज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो रिसर्चर भी होना चाहिए कि आप किस तरह से अपना काम को रिसर्च करते हैं, और बिना रिसर्च के तो कभी कोई काम होता है। मैं भी कोई वीडियो बनाता हूँ आपके लिए तो मैं पहले रिसर्च करता हूँ, उसके बाद उस पर आपके साथ बातचीत शेयर करता हूँ, ताकि आपको क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आपके समझ में बहुत आसानी तरीके से है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मेरा यूट्यूब पर वीडियो यूट्यूबर पर व्यूवर है वो बहुत ही मध्यम वर्ग से है, वो आसान सी लैंग्वेज समझता है, और उसके लिए ही मैं ये खास वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों यही चीज़ें होती है कि मेरा साफ मकसद है कि एक आप नए एक्टर हैं तो आपको जो है लाइंस अपने ऑडिशन देने से पहले याद होनी चाहिए। कई बार आपको स्क्रिप्ट जो है व्हाट्सएप पर मेल कर दिया है, कई बार आपको ऑन द स्क्रिप्ट जो ऑन द स्पॉट जब आप ऑडिशन रूम में पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर स्क्रिप्ट दिया जाती है, उसके बाद आप उनके जो ऑडिशन रूम का एक कैंपस होता है उसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। तो दोस्तों मेरा साफ मकसद है कि अगर आप पहली बार ऑडिशन देने जाते हैं तो उससे पहले एक नए एक्टर को क्या करना चाहिए ये आपको समझना चाहिए, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ कि भैया अगर मेरे चैनल को देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं और वीडियोस और भी देख रहे हैं तो भैया फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, बेल आइकन का बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक कर देंगे तो अपडेट लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे।